वेलकम टू माई चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम वापस ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि मेरा हेल्थ ठीक नहीं रहा ना, ठीक नहीं था, इसलिए गैप रहा। इसका मेरा मूड भी ब्लॉगिंग करने में नहीं था, तो आज मूड आया ब्लॉगिंग करने के लिए। तो आज एक स्पेशल डे है सभी बच्चों के लिए, हिमालय यूनिवर्सिटी ईटानगर उन सब बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन हो गया है, उन लोग का आज कन्वोकेशन डे है। तो आप पर वेज में मिलता है, नॉन वेज नहीं मिलता है। हर चीज ओनली इन वेज। और ये ग्राउंड है, यहाँ पे शाम को फुटबॉल खेलते हैं लड़का लोग, तो देखने में कुछ अलग ही मजा आता है। बहुत सारे लड़का लोग इधर आते हैं, हैंडसम वाला, इसके बाद फुटबॉल खेलते हैं, इसके बाद ये ग्राउंड भी। चलो तो अंदर घुस के देखते हैं क्या है और कैसा, किस तरह से डेकोरेशन किया है। तो हम साइड के एंट्रेंस से घुसेगा क्योंकि वहाँ से सारे लोग हैं, तो अजीब सा ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो ये साइड का एंट्रेंस है, तो यहाँ से घुसेगा और ये मिनरल वाटर है। अच्छा रुपये रख दिया। उसके बाद नज़ारा देखिए, एक बार भी हमने यहाँ ट्रायल भी नहीं किया है, बट वी आर वेरी एक्साइटेड टू इंजॉय इट। देखिए ये मूड कोर्ट, ना तो आप लोग को मालूम हो गया कि हाँ यहाँ पे मूड कोर्ट है बोल के। इवन दो यहाँ का वाशरूम भी बहुत सफा है, हमको यहाँ का वाशरूम बहुत सबसे लगा, पूरा टाइल्स टाइल्स हो गया। रुकिए, हाँ वाह, पूरा क्लासरूम खुला हुआ है।
आज मूड आया है ब्लॉगिंग करने करने से, बहुत मजा से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अदर डेज मूड नहीं रहता मेरा, एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरा मूड बहुत स्विंग रहता है, मेरा स्विंग होता मूड। ये है हम लोग का क्लासरूम, देखिए ये रहा विंडो, बाहर का नजारा, और वो देख रहा है ना आप उधर नदी, जेल का वॉल को देख लो, रेड कलर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग से बनाया और बहुत ही ऊंचा में, बहुत हाई हाइट जो बहुत ऊंचा है। बहुत गर्म हो गया, थोड़ा सा मास्क करते हैं, मुझे बहुत शर्म लग रहा है मास्क करने के लिए क्योंकि मेरा चेहरा दिमाग का कारण से पूरा सूख गया ना, इसलिए कोई पानी फिर भी दिखा देते। कहते हैं ना बदसूरत को ही सच्चे प्यार मिलता है। तिन है, देखिए पूरा पिंपल्स है चेहरे में, थोड़ा ठीक हो गया पर पहले तो क्या बोलेगा, आलू का बागन था तो हेल्दी भी लग रहा है आजकल। जब मैं दिल्ली में थी लास्ट टाइम ना, अब मेरा ब्लॉगिंग देखा हुआ सरोजिनी गया, कहीं कहीं बहुत कुछ घुमाया वहाँ पे दिल्ली पे, तो मुझे डेंगू हो गया था और कुछ दिन बीतेगा सोचा था, पर डेंगू होने के कारण से इमरजेंसी हम यहाँ होम टाउन पर अपने यहाँ पर आ गया था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा था कि मतलब दोस्त भी साथ पे है पर दोस्त को भी तो क्लासेस जा देने तो वो बिजी रहता था, तो हम वहाँ में इतना गर्मी है प्लस डेंगू होने के कारण से बदन बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। उसके बाद दोस्त को भी हम बताने नहीं सक रहे, क्योंकि बता के भी दोस्त को भी हम नहीं चाहते कि वो चिंता में रहो ना, बेकार में मेरा कारण, इसलिए हम जैसे डेंगू हो गया मालूम चला उसका, जैसे डेंगू के सिम्टम्स ना जॉइंट पेन हुआ, हड्डी का पेन, या पूरा पेन हुआ, वोमिटिंग हुआ, एक हफ्ता खाना नहीं, 5 डेज खाना नहीं खाया, पानी भी पीने नहीं दिया, पानी पीने से पानी ही उल्टी आ जाता है। ऐसा हो के हम इमीडिएटली फ्लैट से वापस आ गया, इसका यहाँ में हम एडमिट हुआ, आने सब शाम को ही एडमिट हो गया, 2 दिन जैसे एडमिट हुआ, क्या है तो है भूल गया हम क्या कमी था मैं बॉडी पे, येलो कलर का पैकेट रहता है, येलो कलर का पैकेट रहता है लिक्विड होके, उसको डाला है 4 यूनिट डाला है, तब थोड़ा से आया तगत, और खाना, या खाना तो हम सूंघने से ही उल्टी रखते हैं, पानी पता नहीं कि सूंघने नहीं देता कुछ भी ऐसे, उसमें ना जब डेंगू होता है ना, आप लोग ना कोकोनट का पानी पीजिए, कोकोनट का पानी जो वायरस को फाइट करता है, तो आपको थोड़ा सा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने देते, एनर्जी रहने देते हैं, बस आधा घंटा या तो 1 घंटा के लिए, इसका बाद तो आप फिर से प्यों हो जाते हैं। ऑल दो अगर आप जैसे आप डेंगू है बोलने से आपको जल्दी से मेडिकल जाना है, टेस्ट वेस्ट करना है, जो सेलेन बीजी लेना चाहिए उसको लेना है। एक्चुअली डेंगू का कोई इतना पर्टिकुलर इंजेक्शन बीजी नहीं होता है, बस जो आपका बॉडी में कमज़ोर है, जो आपका बॉडी में ब्लड लॉसेस होने से आपको ब्लड डाल देगा, वो लोग ऐसे करते हैं, और खाना खाने मन नहीं होगा तो खाना खाने मन होने वाला का दवाई देगा, पर एग्जैक्टली डेंगू का मेडिसिन नहीं है, इसलिए डेंगू इज़ वेरी सीरियस, अगर आप मेडिकल नहीं जाएगा, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करेगा, आपका लाइफ जा भी सकता है, इसलिए मच्छर से दूर रहो। तब से हम मच्छर को दिक्कत नहीं सोचते, मारता हमको मच्छर को बहुत हेट हो गया अभी से, तब तक के लिए इतने तबाशन नहीं मारते हुए वापस डाउन जाएगा, और प्रोग्राम को हाईलाइट तोराम का हिमालय यूनिवर्सिटी का शाम का व्यू को भी देखा है, शाम का व्यू इतना फ्रेश, चिलिक मिलिक लाइट जो मज़ा आ जाएगा। टन टना ये रहा जो मैं कह रही थी, टाइल्स का खजाना, आई मीन लेडीज के लिए खजाना, लेडीज लुक के लिए स्पेशली, क्योंकि लेडीज लुक के लिए वॉशरूम में आईना होना बहुत ज़रूरी है। सुनो लाइट नहीं है तो इसलिए अंधेरा है, करेंट होल बंद करके रखा है शायद सेंटर से, और ये रहा सिंक, ऐसे पानी आता है ठंडा वाला फ्रेश वाला, हाँ यहाँ पे थोड़ा लाइट है, ये देखिए बहुत फ्रेश है, बाथरूम तो एकदम झकास है, ये मेल का है, देखो मेल लोग इतना गंदा लगता है, लड़का लोग बॉयज लोग, ये हूँ मैं टेंटन है, किसे लग रही हूँ सुंदर है क्या टेंटन है। स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज
That award of gold medalist, award of silver medalist and bronze medalist, that convocation address by our chief guest, and declaration of closing of the convocation by the Vice Chancellor. Ladies and gentlemen, it gives me an immense pleasure to welcome you all to the fifth convocation ceremony of Himalayan University. Of course, the convocation day is, after all, much awaited day of any student's life, as it returns the effort of entire academic endeavor. And it is steeped with a sense of achievement and fulfillment, and most importantly, it makes them work harder to build a successful career ahead. Thus, we will give our 100% to make it more memorable and exciting for you guys out there. And I hope you all have a very memorable day today. Of course, it's a big day for all of us. हेलो गाइस, ये है जिलिक मिलिक नाइट व्यू ऑफ हिमालय यूनिवर्सिटी। सो मैं आप लोग को अभी अंदर का नज़ारा दिखाऊंगी। वाओ, सुंदर है ना। आई लव एच यू। यहाँ में बहुत लोग आते हैं, फोटो सेल्फी लेके जाते हैं। उसके बाद ये है स्ट्रीट लाइट। वाओ, जस्ट वाओ, बहुत फ्रेश है। आप लोग को कैसा लगा? फ्रेश है ना, सुंदर है ना, मज़ा है ना। अगर कुछ भी एडमिशन के बारे पूछना हो, कोई भी कोर्स, कुछ भी चीज़ के बारे पूछना हो, इन्फॉर्मेशन लेना हो, तो प्लीज़ इनबॉक्स मी। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू टू गाइड।